हे गाइस, कैसे हो आप सब। एक और नई गेम वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में जो गेम लेके आया हूँ इसे आप अपने फ़ोन और पीसी दोनों में ही चला सकते हो। इस गेम का नाम है इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D। अब इस गेम की खास बात यह है कि ये गेम एक ओपन वर्ल्ड गेम है, जो कि बिल्कुल GTA जैसा है। इसमें आप यहाँ पर गाड़ियाँ चला सकते हो, पूरा जो शहर है उसे घूम सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को ठोक भी सकते हो, लाइक शूटिंग कर दो। उसके अलावा यहाँ पर आपको जो घर बिल्डिंग देख रही है उसमें भी आप जा सकते हो। तो एक पूरी तरीके से GTA जैसा गेम है। बट इसमें अलग चीज ये है कि इसके अंदर आपको इंडियन चीजें देखने को मिलेगी। जैसे यहां पर आपको इंडियन बाइक देखने को मिलेगी, स्प्लेंडर, KTM, बुलेट, इस टाइप की बाइक देखने को मिलेगी। इंडियन रेलवे स्टेशन देखने को मिलेगा, जहां पे आप इंडियन ट्रेन चला सकते हो। और यहां तक कि गाड़ियां भी इंडियन मिलेगी, चाहे फॉर्च्यूनर हो, थार हो, ये सब आप इस गेम में चला सकते हो। तो इस वजह से गेम बहुत ही बढ़िया बन जाता है और आपको इस गेम को जरूरी ट्राई करना चाहिए। फिलहाल मैं अब आपको गेम प्ले दिखा देता हूँ। गेम प्ले आप सामने देख सकते हो। यहाँ पे मैं तो इस समय इसे PC में खेल रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ा क्लियर गेम प्ले दिख सके। आप भी इसे अपने फ़ोन या PC में चला सकते हो। यहाँ पे मैं फिलहाल ट्रेन में बैठ गया हूँ और यहाँ पे ट्रेन अभी जंक्शन में खड़ी है। बट अभी मैं आपको ट्रेन को चला के दिखाता हूँ कि चल के कैसी लगती है। पहले तो मैं बता दूँ, ये गेम है, इसके ग्राफिक्स बड़े सही लगे मेरे को। पहले मेरे को लगा था कि थोड़े VFX में ये गेम थोड़ा कम है, बट अगर आप सिंपल में देखें तो ये गेम काफ़ी अच्छा है, इसे आप आराम से खेल सकते हो। और GTA तो काफ़ी बड़ा गेम है, पर अगर आप फ़ोन में एक अच्छा गेम खेलना चाहते हो तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। अब मैं आपको थोड़ा बिल्डिंग्स के पास का इलाका दिखा देता हूँ, तो ये देख सकते हो आप। अभी मैं गाड़ी से जा रहा हूँ, गाड़ी का नाम मुझे पता नहीं है, बट इसका नाम कुछ कोइंसेंग करके था। ये बिल्डिंग्स आप देख सकते हो, इसमें से कुछ बिल्डिंग्स में आप नहीं जा सकते हो, वो बंद हैं। बट बाकी जो सामने वाली बिल्डिंग देख रहे हो, जो घर देख रहे हो आप, इसमें आप जा सकते हो। यहाँ पे इसके अंदर आपको कुछ फोटोज़, इंटीरियर देखने को मिल जाएगा, जो कि बढ़िया है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप शूटिंग कर सकते हो। आपके पास गन में बहुत सारी वैरायटी हैं, तो वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इसमें सबसे पहले मैं देख लूँ कि आसपास में कोई खड़ा भी है जिसके ऊपर मैं आपको शूटिंग करके दिखा सकूँ। तो देखो, सामने एक लेडी जा रही है, मैं उस पर शूटिंग करके दिखाता हूँ। पहले आपको गन के ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे आपको पिस्टल मिल रही है, AK-47 मिल रही है, मिसाइल लॉन्चर मिल रहा है आपको, यहाँ पे आपको स्नाइपर मिल रही है। उसके अलावा यहाँ पे आप बॉम्ब भी फेंक सकते हो किसी के ऊपर। तो पहले मैं आपको जो ये रॉकेट लॉन्चर है ना, इसको चला के दिखाता हूँ। पहले आपको एम करना है किसी पे, ये जो व्हाइट डॉट है इसे एम करो, और उसके बाद आपको इसे फायर करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैं यहाँ पे फायर कर दिया है, और इससे पहले भी मैंने जब ट्राई किया था तो मैंने कुछ लोगों को हवा में उड़ा दिया था, मतलब वो उड़ ही गए थे पूरे। यहाँ पे मैं एक बार आपको स्नाइपर चला के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो लेडी जा रही है, मैं इसके थोड़ा आगे रखूंगा स्नाइपर को, और जैसे ही मैं शूट करूंगा देखना ही तुरंत ही नीचे गिर जाएगी। ये मैंने शूट किया और नीचे। अब यहाँ पे अजीब बात तो ये है कि जब ये गेम खेल रहा था तो इसमें बहुत ही चिल्लाने की आवाज़ें बहुत ही तगड़ी डाल रखी है, तो जब भी लेडी मरती है उसे जोर से चिल्लाती है वो, तो मेरे भी कान दर्द हो गए थे। यहाँ पे अभी देखना है पुलिस वाला आ रखा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत ही ड्रामे करे हैं। तो मैं इसके ऊपर यहाँ पे जो ये है ना बॉम्ब, ये फेंकूंगा। ये बहुत ही बढ़िया है, आप अपना बॉम्ब वॉम्ब फेंको, उसके बाद आप इस पर लॉन्चर चला दो, जो चलाना है वो चला सकते हो, और उससे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। जैसे कि अभी मैं इसके ऊपर फेंक देता हूँ, मैंने काफ़ी सारे फेंक दिए हैं, और अब यहाँ पर रॉकेट लॉन्चर मैं इसके ऊपर चलाऊँगा, देखना कितना बड़ा धमाका हुआ। देखा आपने, तो कुछ इस तरीके के से धमाका भी आप कर सकते हो, जो कि देखने में बढ़िया लगता है। अभी देखना मैं इस गाड़ी को भी उड़ाता हूँ, और देखो इसके परखच्चे उड़ गए। अब यहाँ पर मैं वहाँ पर मर गया था, क्योंकि पीछे से मेरे ऊपर बहुत सारी शूटिंग हो रही थी, तो मैंने यहाँ फिर से गेम स्टार्ट किया। अब यहाँ पर मैं इस गाड़ी से यहाँ पे आया हूँ, तो मैं चुराहे पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पर इसके पास एक फ़ोन है, जो कि आपको नीचे देखने को मिल रहा होगा। इस फ़ोन से भी ये काफ़ी सारी चीज़ें कर सकता है, जैसे कि जो पूरा इलाका है उसका मैप भी देख सकता है, या और भी चीज़ें कर सकता है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर टेक्स्ट का। यहाँ पर आप किसी और के साथ खेल रहे हो, अगर मल्टीप्लेयर में खेल रहे हो उस गेम को, तो यहाँ पर आप टेक्स्ट डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर हेलो डाल रखा है। उसके अलावा यहाँ पे आप ड्रेस चेंज कर सकते हो। देखो अभी यहाँ पे कई सारी तरीके की जैकेट मिल रही है आपको, यहाँ पे मैं एक जैकेट चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे आप जींस चेंज कर सकते हो, जो आपको चाहिए वो रख लो। यहाँ पे आपको मास्क मिल रहा है, मास्क आप अपना आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ना पूरी तरीके से आप कैरेक्टर को कस्टमाइज़ कर सकते हो, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ लगी मेरे को इस गेम में। और यहाँ पे इसके लिए आपको कोई पैसे भी देने की जरूरत नहीं है, आप फ्री में सब कुछ कर सकते हो। यहाँ पे मेरे को तो कैप वाला पसंद है, तो मैंने यहाँ पे कैप वाला रखा हुआ है। बट मुझे ये बाल बिल्कुल पसंद नहीं है, जो चाउमिन जैसे बाल होते हैं ना, ये अच्छे नहीं लगते। कैप ही सही
लगती है मेरे को। तो यहाँ पे मैंने इसको चेंज कर दिया है पूरी तरीके से। इसके अलावा भी कुछ ऑप्शन हैं, जैसे मैंने आपको बताया था मैप का ऑप्शन इसमें अभी नहीं आ रहा है, बाद में आता है। उसके अलावा यहाँ पे आप फ़ोन का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आपको कुछ इंडियन नेम देखने को मिलेंगे, कुछ भारत के नेम, तो इन पे आप कॉल कर सकते हो। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा वो मिलता है, मतलब यहाँ पे जो ट्रेन कंट्रोल से ना, आप ट्रेन जब चलाते हो तो उसे बाहर से भी कंट्रोल कर सकते हो अपने फ़ोन से। ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसके अंदर बैठ के उसे कंट्रोल करो। तो ये कुछ दो चार ऑप्शन है जिन्हें कि आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये गेम, इसके अंदर आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। अब यहाँ पे फ़ोन के अलावा मैंने यहाँ पे ड्रेस चेंज कर ली है, तो मैं आपको थोड़ा बहुत चल के दिखा देता हूँ इस गेम के अंदर कि इस गेम के ग्राफिक्स कैसे हैं। देखो आपको कितना बढ़िया लग रहे हैं ना इसके ग्राफिक्स। हालांकि ये थोड़ा सस्ता GTA है, बट सही बताऊँ अगर आप इसे फ़ोन में चला रहे हो और काफ़ी कम MB में आपको मिल रहा है, तो उससे ज़्यादा आप क्या ही सोच सकते हो गेम में। अब यहाँ पे मेरे सामने एक गाड़ी दिख रही है, तो मैं आपको गाड़ी में फटाफट बैठ के एक जगह लेके चलता हूँ जहाँ पे आपको बहुत मज़ा आएगा। उससे पहले एक बार आप साइड में देख लो, यहाँ पे आपको बहुत सारे वो मिलते हैं, पता नहीं इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें रैंप बोलते हैं, यही सब बोलते हैं, जहाँ पे आप गाड़ी को उछाल सकते हो। एक तो यहाँ पे सीधा रैंप है जिसमें आप उछालोगे तो गाड़ी एकदम पलट ही जाएगी नीचे गिरने पे। बाकी आपके पास ये हॉट व्हील वाला रैंप है जिसमें आप घुमा सकते हो गाड़ी को। बहुत ही अलग अलग तरीके के रैंप है जिसमें आप यहाँ पे मतलब मस्ती कर सकते हो। मैं तो सही बोलूंगा आपको इसको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो गाड़ी है उनकी स्पीड भी बहुत तेज है। इनमें से एक रैंप पे मैं आपको अभी उछल के दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे ना इसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है इसी स्पीड के साथ, तो मुझे थोड़ा धीरे जाना चाहिए था। देखो अभी मैं गिर गया था, तो कभी कभी गाड़ी इसमें पलट जाती है तो वो वापस पलटती भी नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक एरोप्लेन वाली जगह देखने को मिलेगी जहाँ पे आप हवाई जहाज को उड़ा भी सकते हो। अब ये जो बड़े वाले हैं इनके अंदर तो आप नहीं जा सकते हो, ये ऐसे ही है मॉडल वाले, पर यहाँ पे आपको एक साइड में छोटा वाला देखने को मिल रहा होगा, इसको आप आराम से उड़ा सकते हो। तो मैं फटाफट आपको इसमें चल के दिखाता हूँ कि इसके अंदर आप जब उड़ाते हो इसे तो कैसा लगता है। मैं सही बताऊँ इसे कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल का काम है। मैं फटाफट यहाँ पे एरोप्लेन में बैठता हूँ और आपको एक बार इसे उड़ा के दिखाता हूँ। अब यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे बताऊँ सबसे बड़ी क्या लगी, जब आप इसे इधर उधर मोड़ते हो ना तो कई बार नीचे आ जाता है, तो ये हो सकता है कि कई बार आपका गिर जाए। तो गेम तो काफ़ी बढ़िया है, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।